Assalamu alaikum, this is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about Skillbug model of curriculum development. So, let's start. जी तो सबसे पहले हम लोग ये चीज देखते हैं कि स्किल बैक करिकुलम मॉडल डेवलप कब हुआ था. तो 1976 में स्किल बैक करिकुलम मॉडल को डेवलप किया गया था. तो स्किल बैक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको पता है कि हर साइकोलॉजिस्ट का, हर फिजियोलॉजिस्ट का, हर एजुकेशनिस्ट का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो स्किल बैक का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस टीचर ने जिस क्लास में जौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो उस हिसाब से बच्चों का एक्सपीरियंस देखते हुए अपना करिकुलम जो है वो रियलिस्टिकली खुद डिवेलप करे. तो स्किल बैक सजेस्टेड एन अप्रोच फॉर डिवाइजिंग करिकुलम एट द स्कूल लेवल बाय टीचर कुड रियलिस्टिकली डेवलप अप्रोप्रिएट करिकुलम. स्कूल लेवल के जो करिकुलम थे वो बनाने में इसने ज़्यादा दिलचस्पी दी थी अपने इस मॉडल में, और टीचर्स पर ज़्यादा एम्फोसाइज किया था, टीचर्स पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया था कि टीचर्स रियलिस्टिकली बच्चों का एक्सपीरियंस देखते हुए, पीपल्स का एक्सपीरियंस देखते हुए अपना जो है वो करिकुलम को डिवेलप करें. तो बेसिकली इसमें दिस मॉडल क्लेम्स डैट फॉर SBCD, इस मॉडल ने क्लेम्स किया था SBCD के लिए. तो SBCD क्या है, स्कूल बेस्ड करिकुलम डेवलपमेंट है, कि इसमें वर्क टू वर्क इफेक्टिवली 5 steps आर रिक्वायर्ड इन द करिकुलम प्रोसेस. मीन के स्कूल बेस्ड करिकुलम डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क इफेक्टिवली करें, और इस मॉडल में, इस करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल में 5 steps रिक्वायर्ड हैं, वो हम अपनी आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे फर्दर. ओके जी, तो सबसे पहले आगे हम लोग देखते हैं कि स्किल मॉडल बेसिकली लोकेट क्या करता है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है. तो स्किल बैक मॉडल लोकेट्स करिकुलम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फर्मली विद इन अ कल्चरल फ्रेमवर्क. बेसिकली कल्चर को, कल्चर से रिलेटेड, मीन हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ हो रही है, सोसाइटी की नो हाउ को देखते हुए बेसिकली ये मॉडल जो था वो तैयार किया गया था. इट व्यूज सच डिज़ाइन एज अ मीन्स वेयर बाय टीचर्स मॉडिफाई एंड ट्रांसफॉर्म पीपल एक्सपीरियंस थ्रू प्रोवाइडिंग इनसाइट इन टू कल्चरल वैल्यूज, इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क एंड सिम्बॉलिक सिस्टम. वही बात दोबारा आ गई कि अगर हम लोग इसका एक गौर व फिक्र करें इस पर, तो इसमें क्या चीज़ थी कि जिसमें टीचर जो हैं वो मॉडिफाई करें और ट्रांसफॉर्म करें अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को, किसके ज़रिए करें, कल्चरल वैल्यूज़ के ज़रिए करें, इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क्स के ज़रिए करें और सिम्बॉलिक सिस्टम्स के ज़रिए करें, उस बिना पे वो अपना करिकुलम जो है वो रियलिस्टिकली खुद डिवेलप करें. इट इज़ अ मोर कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क विच कैन इनकम्पास आइदर द प्रोसेस मॉडल और द ऑब्जेक्टिव मॉडल डिपेंडिंग ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ द करिकुलम आर बींग डिज़ाइन. वही जाहिर है, ये कम्प्रीहेंसिव हो गया है, इसमें टीचर की बिना पे कह लो कि ये टीचर्स ने बच्चों के एक्सपीरियंसिस को देखना है, कल्चरल फ्रेमवर्क को देखना है, सिम्बॉलिक फंक्शंस को देखना है, उस हिसाब से उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट करना है. तो बेसिकली ये कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क है जो बेसिकली प्रोसेस मॉडल को लेके भी चलता है और ऑब्जेक्टिव मॉडल को लेके भी चलता है, क्योंकि जो भी आपने अपना करिकुलम डिज़ाइन करना है उसी बेस पे करेगा ना ये. तो ये फ्लेक्सिबल भी है, अडॉप्टेबल भी है और ओपन टू इंटरप्रिटेशन भी है इन द लाइट ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसिस. इसमें भी हम लोग चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टेप में, अगर हम लोगों ने चेंजिंग लानी है तो हम लोग उस स्टेप को अगेन से उस स्टेप में चेंजिंग कर सकते हैं. ओके जी, तो इट डज नॉट प्रीस्पोज अ लीनियर प्रोग्रेशन थ्रू इट्स कंपोनेंट्स. कहते हैं कि ये भी प्रीस्पोज नहीं किया जाता कि इसके भी हम लोगों ने लाइन वाइज ही चलना है. वही बात आ गई कि अगर आप लोगों ने चेंजिंग करनी है किसी भी स्टेप में तो आप लोग चेंज कर सकते हैं. टीचर कैन बिगिन एट एनी स्टेज एंड एक्टिविटीज कैन डेवलप कंक्रेंटली. वही बात आ गई जी, द मॉडल आउटलाइन डज नॉट प्रीस्पोज अ मीन्स एंड एनालिसिस एट ऑल. मतलब कि मॉडल जो है, मॉडल की जो आउटलाइन है, वो ये चीज़ प्रीस्पोज नहीं करती कि हम लोग मीन्स एंड एनालिसिस करें. मीन कि अगर हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया तो उसको एट दी एंड 5th step तक लेके चलें. कोई भी अगर हमने बीच में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई बीच में चेंजिंग करनी है तो हम लोग कर सकते हैं. मीन कि ये सिंपल इनकरेज करता है टीम और ग्रुप ऑफ करिकुलम डेवलपर्स को कि वो टू टेक इन टू अकाउंट डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस. मीन के टीम को, ग्रुप्स को ज़्यादा प्रेफर करता है कि जिसने भी अपनी सोच के हिसाब से कोई भी चेंजिंग लेकर आनी है तो वो लेके आ सकता है. टू सी द प्रोसेस एज एन ऑर्गेनिक होल एंड टू वर्क इन अ मॉडरेटली सिस्टमेटिक वे. ओके जी, तो इसके 5 steps कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहला है सिचुएशन एनालिसिस, इसमें इंटरनल एनालिसिस भी है और एक्सटर्नल एनालिसिस भी है. आगे 2nd step है ऑब्जेक्टिव, 3rd step है डिज़ाइन जिसको प्रोग्राम बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है.
आगे फोर्थ स्टेप है इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड फिफ्थ स्टेप इज इवेल्युएशन, जिसको हम लोग मॉनिटरिंग भी कह सकते हैं, फीडबैक भी कह सकते हैं, असेसमेंट भी कह सकते हैं और रिकंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं जी। तो सिचुएशन एनालिसिस के आगे से टू फेजेस हैं, वो टू फेजेस कौन से हैं? फर्स्ट फेज है एक्सटर्नल सिचुएशन एनालिसिस और सेकंड फेज है इंटरनल सिचुएशन एनालिसिस जी। तो हम एक्सटर्नल सिचुएशन एनालिसिस में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो एक्सटर्नल में क्या क्या चीज़ें हैं जी, सबसे पहले तो कल्चर और एंड सोशल चेंजेस एंड एक्सपेक्टेशन, मीन इसमें कल्चर कल्चरल वैल्यूज आ जाती हैं, सोशल चेंजेस आ जाती हैं और एक्सपेक्टेशन इंक्लूड होती हैं। अब वो एक्सपेक्टेशन में पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, कम्युनिटी की अजम्पशंस भी हो सकती हैं और वैल्यूज भी हो सकती हैं, चेंजिंग रिलेशनशिप भी हो सकते हैं एडल्ट और चिल्ड्रंस के, और आगे से आइडियोलॉजी भी। अगला है एजुकेशनल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड चैलेंजेस, पॉलिसी स्टेटमेंट्स, एग्जामिनेशन, लोकल अथॉरिटी डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर, करिकुलम प्रोजेक्ट, एजुकेशनल रिसर्च, ये सब कुछ एक्सटर्नल में इंक्लूड होता है। और उसके अलावा द चेंजिंग नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, द पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर सपोर्ट सिस्टम, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, और आगे से फ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन स्कूल, मीन जितनी भी चीज़ें जिसको जिन चीज़ों ने सोसाइटी से रिलेट करना है, जिन लोगों जिन चीज़ों ने कल्चर से रिलेट करना है, उसमें ये सब कुछ जो है वो एक्सटर्नल सिचुएशनल एनालिसिस में इंक्लूड होता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा जरा मेन मेन इसकी चीज़ बताऊं तो सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें कल्चर, सोशल चेंजेस और एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, उन एक्सपेक्टेशंस में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, उसमें एजुकेशनल सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, उसमें हमारी लोकल अथॉरिटी की डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, हमारे एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, कम्युनिटी की एग्जम्पशंस भी होती हैं, उनकी वैल्यूज भी होती हैं, आइडियोलॉजी भी होती है, हमारे पढ़ाने के अंदाज में क्या क्या चेंजिंग आ रही है, ये चीज़ भी एक्सटर्नल में इंक्लूड होती है, हमारा जो रिसोर्सेज हैं स्कूल्स के उसमें उसका जो फ्लो है, ये चीज़ भी हमारी एक्सटर्नल में इंक्लूड होती है। तो ये सब कुछ जो है ये एक्सटर्नल सिचुएशन एनालिसिस है। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल सिचुएशन एनालिसिस की जो पॉइंट्स हैं उनको ब्रीफ सा कह लो कि डिस्क्राइब करें, तो आप लोगों को ये जो पॉइंट्स हैं वो पता होना चाहिए। आगे है जी इंटरनल, इंटरनल से आप लोग अंदर का याद रखें कि इंटरनल अंदरूनी और एक्सटर्नल से बाहर बैरूनी। तो इंटरनल में हमारे प्यूपल्स आ जाते हैं, प्यूपल्स के एप्टीट्यूड्स, एबिलिटीज, उनके डिफाइन एजुकेशनल नीड, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, ये सब कुछ। आगे टीचर्स में वैल्यूज, एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्पेशल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आगे परसीव एंड फेल्ट प्रॉब्लम एंड शॉर्ट कमिंग इन एग्जिस्टिंग करिकुलम, मटेरियल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग प्लांट इक्विपमेंट्स एंड पोटेंशियल फॉर इन्हेंसिंग दीज, मतलब कि जितनी भी इंटरनल चीज़ें हैं, मीन एबिलिटीज, कैपेसिटीज, नीड्स, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, स्पेशल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मीन हमारे करिकुलम में क्या चीज़ कम है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ये सब कुछ। और हमारे मटीरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, इक्विपमेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो हमारे इंटरनल सिचुएशन एनालिसिस में इंक्लूड होता है। आगे है जी सेकंड स्टेप, वो है ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं जी स्किल बैक असाइन अ डिसीजन मेकिंग रोल टू टीचर्स, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसमें डिसीजन मेकिंग रोल जो है वो भी टीचर्स का है, करिकुलम डेवलपमेंट का रोल भी टीचर्स का है, उसमें सीनियर स्टाफ भी आ जाते हैं, उसमें प्रिंसिपल भी आ जाते हैं, जिन लोगों ने स्कूल बेस्ड करिकुलम को डेवलप करना है वो तमाम उसमें टीचर, सीनियर स्टाफ और प्रिंसिपल आ जाते हैं। तो स्किल बैक असाइन अ डिसीजन मेकिंग रोल टू टीचर, सीनियर स्टाफ एंड प्रिंसिपल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर द स्कूल बेस्ड करिकुलम। उसने बेसिकली डिसीजन मेकिंग का रोल जो था वो टीचर्स को, सीनियर स्टाफ को और प्रिंसिपल को दिया था। अगेन स्किल बैक डज नॉट कैटेगोरिकली स्टेट द डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द स्कूल स्टाफ एट द वेरियस लेवल इन द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, और उसने ये चीज़ भी नहीं कही थी, उसने कैटेगराइज भी नहीं किया था कि टीचर ने कितना काम किया है, स्टूडेंट ने कितना काम किया है, सीनियर स्टाफ ने कितना काम किया है, प्रिंसिपल ने कितना काम किया है, उसने ये चीज़ नहीं की थी। बस उसको एक ऑर्गेनाइज वे में स्कूल का करिकुलम चाहिए था, तो उसने उनका जो डिसीजन मेकिंग रोल था उसने इन तीन मेन ओहदों को दे दिया था। आगे स्किल बैक के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है कि द करिकुलम इज़ फॉर द लर्नर एंड द टीचर मेड अप ऑफ एक्सपीरियंसेस। करिकुलम जो होता है वो लर्नर के लिए भी होता है, टीचर्स के लिए भी होता है कि और मजीद से मजीद एक्सपीरियंसेस जो है वो हासिल कर लें। तो ये चीज़ आप लोगों को याद होगी कि इंसान जो है वो मरते दम तक सीखता रहता है। तो ये चीज़ नहीं होती कि हम लोग टीचर बन गए हैं तो अब टीचर जो है अब उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज आ गया है, ये गलत बात है। टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट से भी सीखता है, स्टूडेंट तो भाई अपने टीचर से सीखता ही सीखता है, लेकिन कोई बात ऐसी स्टूडेंट कर देता है जो कि टीचर भी सीखने पे मजबूर हो जाता है।
तो स्किल बैग का क्या कहना था कि जो करिकुलम होता है वो टीचर्स के लिए भी होता है और लर्नर के लिए भी होता है एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए. दीज शुड बी एक्सपीरियंसेस और वैल्यूज डेवलप बाय द टीचर एंड लर्नर टुगेदर फ्रॉम अ क्लोज एंड सिंपैथेटिक अप्रेजल ऑफ द लर्नर्स नीड एंड हिज करेक्टरिस्टिक एज अ लर्नर. वही बात उसने बता दी कि इसमें एक्सपीरियंस आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाती हैं कि जो कि टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं वो इकट्ठे जो हैं वो डिवेलप करते हैं. उसमें लर्नर की नीड भी देखी जाती है और उसके करेक्टरिस्टिक्स भी देखे जाते हैं. ओके जी, तो ऑब्जेक्टिव के स्टेप पे एक्शन रिसर्च भी इंक्लूड है. अब हम एक्शन रिसर्च पढ़ते हैं कि एक्शन रिसर्च है क्या. तो एक्शन रिसर्च इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन. ठीक है, बेस किस पे करती है? एजम्पशन पे करती है कि दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन ऑन द जॉब प्रॉब्लम इज अ प्रॉमिसिंग अप्रोच. मीन के जो प्रॉब्लम जॉब प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट को ना एक प्रॉमिसिंग अप्रोच की तरफ लिया जाता है. एक प्रॉमिसिंग अप्रोच उन्हें एज अ लिया जाता है. प्रॉमिसिंग अप्रोच वो होता है कि जो कि हमें फ्यूचर में सक्सेस को शो होने के साइंस को शो करे. ठीक हो गया ना? तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एज अ कंसल्टेंट यूज होते हैं एक्शन रिसर्च में, जो कि शो करते हैं कि इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है एक एज अ सोर्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज है. मीन के कंसल्टेंट्स का मतलब इसमें वो जिता देती है कि जो कि हमें बहुत ही अच्छा मशवरा दे सकें, कोई मशवरा गिर जिसको हम लोग कहते हैं. तो एक्सपीरियंस जो होते हैं वो हमारे एज अ कंसल्टेंट यूज होते हैं हमारे एक्शन रिसर्च में. मीन के जॉब प्रॉब्लम जितनी भी आती हैं उसमें टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि एज अ प्रोमिसिंग अप्रोच के तौर पर यूज होते हैं. ठीक हो गया? ओके जी, तो स्किल बैक की अकॉर्डिंग पेरेंट्स का क्या इंटरेस्ट था? तो स्किल बैक कंसीव ऑफ पेरेंट्स बीइंग इनवाइटेड बाय टीचर्स टू डिस्कस मैटर रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम ऑब्जेक्टिव. अब स्किल बैक ने ये चीज़ भी कह लो कि कंसीव की थी कि पेरेंट्स को इनवाइट किया जाए, टीचर्स इनवाइट करें पेरेंट्स को और जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं वो पेरेंट्स से भी डिस्कस किए जाएँ करिकुलम को बनाने से पहले, करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स को बनाने से पहले. ठीक है, तो रिसर्च बाय कॉहन एंड ब्रिज टू हाउएवर शोज दैट नॉट ऑल पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल डिसीजंस एंड दैट नॉट ऑल पेरेंट्स आर वेल इनफ इनफॉर्म्ड टू पार्टिसिपेट इन स्कूल डिसीजन. फिर रिसर्च की थी कॉहन ने और ब्रिज ने, उसने रिसर्च की थी कि तमाम पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते स्कूल के डिसीजंस में और ना तमाम पेरेंट्स जो होते हैं उनको इतनी इन्फॉर्मेशन होती है स्कूल में पार्टिसिपेशन की और कि वो स्कूल में पार्टिसिपेट करके कोई एक्टिव डिसीजन ले सकें. ओके जी, तो थर्ड स्टेप है हमारा डिज़ाइन का. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोग्राम डेवलपमेंट रिलेट्स द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव इनोवेशन एंड मीनिंगफुल लर्निंग. अब यहाँ पे बात नज़र आ गई कि टीचर्स को क्यों कहा जाता है, क्यों माला किया जाता है कि वो करिकुलम डेवलपमेंट को बिल्ड करें. तो उसकी वजह ये दो चीज़ें हैं, एक है कॉग्निटिव इनोवेशन और एक है मीनिंगफुल लर्निंग, जिसके बिना पे टीचर्स को कहा जाता है कि वो रियलिस्टिक वे में जो है वो अपना अपना करिकुलम जो है वो डिवाइस करें. उसकी मेन वजह क्या है? एक तो कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव इनोवेशन और एक दूसरा मीनिंगफुल लर्निंग. क्योंकि टीचर्स को बच्चों के बारे में ज़्यादा नो हाउ होती है क्योंकि वो उनको पढ़ाते हैं. डैट्स वाई स्किल बैक ने ये प्रपोज किया था कि टीचर्स जो हैं वो डिवेलप करें करिकुलम. ठीक हो गया, तो इसमें आ जाता है आगे प्रोग्राम बिल्डिंग. तो विच कंप्राइजेज द सेलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लर्निंग, द सीक्वेंसिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एपिसोड्स, द डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ एंड द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्री मटीरियल्स एंड मीडिया. अच्छा, अब इसमें प्रोग्राम बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? पहला तो सब्जेक्ट मैटर लर्निंग के लिए, दूसरा कि क्या सीक्वेंस है टीचिंग लर्निंग एपिसोड्स का, थर्ड वन इज डिवेलपमेंट ऑफ स्टाफ एंड द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्री मटीरियल्स एंड मीडिया. ठीक हो गया, प्रोग्राम बिल्डिंग में ये चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं. जी, तो इसमें सिचुएप का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जब एक मॉडल डेवलप हो रहा हो या कोई भी चीज़ डेवलप हो रही हो तो उसमें डिफरेंट रिसर्चर्स जो होते हैं, डिफरेंट एजुकेशनिस्ट जो होते हैं, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं. तो सिचुएप ने कहा था कि टीचर्स जो होते हैं जो कि एक्सटर्नली डिवेलप कर रहे होते हैं करिकुलम मटीरियल्स को, उनको प्रॉब्लम आ सकती है लर्निंग और डेवलपमेंटल थेरीज में, जो कि हमारा कह लो कि जिसपे हमारे जो मटीरियल होता है स्टडी का वो बेस करता है. तो सिचुएप का कहना ये चीज़ थी. तो सचवैब ने मेंटेन किया था कि जो लर्निंग और डेवलपमेंटल थेरीज होती हैं ये बेसिकली हमारे निसाब के डिज़ाइन के लिए ये एक कहते हैं ना बिगेनिंग पॉइंट होते हैं, वो होती हैं हमारी लर्निंग और डेवलपमेंटल थेरीज. तो सचवैब का कहना ये था कि उन टीचर्स के लिए प्रॉब्लम आ सकती है जो कि एक्सटर्नली डिवेलप करते हैं करिकुलम मटीरियल्स को, उनके लिए किस में प्रॉब्लम आती है? लर्निंग और डेवलपमेंटल थेरीज में प्रॉब्लम आती है. तो उसने ये चीज़ भी उसमें उसने एक्सप्लेन कर दी थी कि डिवेलप
डेवलपमेंटल थ्योरीज और लर्निंग जो होती हैं यही हमारे निसाब के लिए जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसका एक इब्तदाई नुक्ता कह लें आपको या बिगेनिंग पॉइंट कह लें वो चीज़ होती है जी। तो देख लें इसमें भी डायनामिक मॉडल की तरह थ्री फेज मॉडल्स आ ही गए तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जिसको कॉनली ने डेवलप किया था। कॉनली हैज़ डेवलप अ थ्री फेज मॉडल टू असिस्ट टीचर, मीन टीचर्स को असिस्ट करने के लिए उसने थ्री फेज मॉडल को डेवलप किया था। उसने इन थ्री फेज मॉडल में चॉइस पॉइंट आ गया था, डेलिब्रेशन आ गई थी और चॉइस आ गई थी। तो चॉइस पॉइंट क्या है हम पढ़ते हैं, रेफर्स टू अ फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल एंड मेथोडोलॉजिकल इशूज। अब देखिए चॉइस पॉइंट में चार किस्म के इशू हैं, एक फिलोसॉफिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा सोशियोलॉजिकल एंड थर्ड वन इज मेथोडोलॉजिकल, जो कि अंडरलाइन करते हैं पर्टिकुलर करिकुलम डेवलपमेंट्स को। ईच चॉइस पॉइंट कंटेन अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव ईच ऑफ विच हैज डिफरेंट पॉसिबल करिकुलर कॉन्सिक्वेंस। कहते हैं कि इसमें हर एक फिलोसॉफिकल है तो उसका एक अलग से सेट ऑफ अल्टरनेटिव होगा, उसका एक अलग से पॉसिबल करिकुलर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर तो फिलोसॉफिकल है तो उसका भी अलग से अल्टरनेटिव होंगे, उसके भी अलग से पॉसिबल करिकुलर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगला है जो डेलिब्रेशन, तो डेलिब्रेशन रेफर करता है प्रोसेस बाय विच टीचर कंसिडर द रिलेटिव करिकुलम मेरिट्स ऑफ द अवेलेबल चॉइसेस, जिसमें रेफर किया जाता है टीचर्स को कि वो कंसिडर करें रिलेटिव करिकुलम मेरिट्स को अवेलेबल चॉइसेस के लिए। और आगे है थर्ड वन इज चॉइस, तो उसमें रेफर टू द पर्टिकुलर चॉइसेस मेड बाय टीचर्स इन द लाइट ऑफ द डेलिब्रेशन, जिसमें रेफर किया जाता है पर्टिकुलर चॉइसेस को जिसको टीचर्स मेड करते हैं डेलिब्रेशन को नोयत को नजर में रखते हुए। जी तो हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप था हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अमल दरामद, किसी चीज पे अब हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी है। तो जब क्लोजर एग्जामिनेशन किया गया था, कॉग्निटिव मोटिवेशन की थेरीज को देखा गया था, तो उसमें ग्रेटर लाइट जो थी वो स्किल बैक के मॉडल पर दी गई थी, क्योंकि इसने अपने इस मॉडल में, अपने इस करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल में उसने टीचर्स को इन्वॉल्व किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस के लिए, डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरह के मामलों में टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाए, हालांकि इन तरह के मामलों में टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, वो बड़े बड़े जो हमारे VC बैठे होते हैं और हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वही हमारे हल कर लेते हैं, टीचर्स को कानों कान खबर ही नहीं होती। तो स्किल बैक के इस मॉडल में टीचर्स को इन्वॉल्व किया गया था, जो कि बहुत बड़ी एक मोटिवेशनल बात थी। तो जो थेरीज ऑफ कॉग्निटिव मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि वाई सर्कमस्टेंशियल डिफरेंसेज आर अप्रोप्रिएट टू द लेवल और डिग्री ऑफ इनोवेटिवनेस बाय टीचर्स। तो इसमें टू फीचर्स थे कॉग्निटिव मोटिवेशन के जिसको ऑफन आइडेंटिफाई किया था MC रियोनॉल्ड्स ने। क्या कहा था कि उसने, आर द मिनिमाइजेशन ऑफ अनअसिमिलेटेड परसेप्चुअल मटेरियल्स एंड द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इनोवेशन रेट। ओके दी, तो रियोन्स ने क्या कहा था अपनी स्टडी में, उसने क्या चीज शो की थी कि डेट ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ स्किल बैक मॉडल इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द करिकुलम डिजाइन एंड द टीचर्स प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट डिटरमाइंस वेदर दैट टीचर्स विल बी मोटिवेटेड टू एक्सर्ट द एफर्ट नेसेसरी टू मेक द इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल। अब आप लोगों को ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इसमें क्या चीज़ बताई गई। कहते हैं कि जब स्किल बैक का इम्प्लीमेंटेशन का फेज चल रहा होता है ना, तो उसमें इंटरेक्शन हो रही होती है इंफॉर्मेशन कंसर्निंग की, इसमें इंटरेक्शन बिटवीन द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द करिकुलम डिजाइन एंड द टीचर्स प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि वेदर द टीचर विल बी मोटिवेटेड टू एक्सर्ट द एफर्ट नेसेसरी टू मेक द इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल। ठीक हो गया। कहता कि ऑल इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोपोर्शन दैट इज परसीव्ड बाय द पोटेंशियल इम्प्लीमेंटर। कहता कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्क्राइब करते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोपोर्शन में, जिसको परसीव किया जाता है पोटेंशियल इम्प्लीमेंटर के जरिए। और वो पोटेंशियल इम्प्लीमेंटर कौन है, टीचर्स हैं, जो कि एज अ बीइंग फैमिलियर एंड रेडिली एजिलिएबल होते हैं इन टू एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के लिए एज कंपेयर्ड विद द प्रोपोर्शन दैट इज परसीव एज बीइंग अनफेमिलियर एंड रिक्वायरिंग कॉग्निटिव अकोमोडेशन। ठीक हो गया। आगे है जी फिफ्थ वन स्टेप इज इवेल्युएशन, जिसको मॉनिटरिंग भी कह सकते हैं, जिसको फीडबैक भी कह सकते हैं, जिसको असेसमेंट भी कह सकते हैं एंड जिसको रिकंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। तो स्किल बैक ने लिस्ट किया था, स्किल बैक लिस्ट द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट एज बीइंग ऑफ सेंट्रल कंसर्न ड्यूरिंग द इवेल्युएशन। ठीक है, पहली लिस्ट में स्किल बैक ने प्रॉब्लम्स को एज अ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट लिया था।
फिर स्किलबैक ने परसीव किया था द रोल ऑफ टीचर टू बी सेंट्रल ड्यूरिंग द एवेल्युएशन फेज टू इंश्योर कंटिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द करिकुलम. ये उसने टीचर के रोल को एज अ सेंट्रल रोल कहा था, जबकि जब इवेल्युएशन का फेज चल रहा हो तो टीचर का रोल जो है वो सेंट्रल फेज के तौर पर, सेंट्रल रोल के तौर पर यूज होगा, ताकि उसमें कोई ना कोई हमने अगर कोई रिकंस्ट्रक्शन करनी है करिकुलम में तो वो हम लोग कर सकें टीचर की मौजूदगी में. तो लिथवुड ने और रॉजल ने इस चीज़ पे एग्री किया था, और उन्होंने ये क्या चीज़ ऐड की थी कि मैकेनिज्म आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट अ चेंज विल बी इन अ कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ रिवीजन इन द लाइट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डाटा. उसने ये चीज़ उसने उन्होंने स्किल बैक की बात पे एग्री भी किया था कि टीचर्स को ऐसा सेंट्रल रोल दिया जाए, और उन्होंने एक चीज़ ये भी ऐड की थी कि मैकेनिज्म जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं इस चीज़ का इंश्योर करने के लिए कि चेंज जो है वो भी एक कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ रिवीजन में ज़रूरी है, ठीक है ना, इन द लाइट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डेटा. ठीक हो गया. तो आज की इस वीडियो में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात रह गई हो जो आप लोगों को समझ ना आई हो. तो मैंने हर चीज़ जो है स्टेप ईच एंड एवरीथिंग स्किल बैक मॉडल का एक्सप्लेन किया है. होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.